कि नैरेटिव देश में रोजगार का है, किसानों का है और न्याय योजना का है। बीजेपी नैरेटिव को शिफ्ट करना चाहती है, मगर नैरेटिव शिफ्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि देश की सच्चाई बेरोजगारी है, देश की सच्चाई किसानों की बुरी हालत है। थैंक यू। पल्लवी फ्रॉम सीएन नाइबियन। I want to ask a question to Mrs. Gandhi and also. Yeah, media sir. Oh, yeah. I think. So then I want to ask a question to Mr. Rahul Gandhi. Mr. Gandhi, has the Congress made up its mind that you want to go solo as much as you can? Because your decision, for example, to contest from Wayanad has upset the left, who were your allies earlier. And I'm talking about again Bengal. I'm talking about other states as well. And Uttar Pradesh. There was a demand for me. Look, there is a There is a feeling in South India. A very strong feeling in South India that they are not being carried by the current government. South India feels hostility from Mr. Narendra Modi. They feel that they are not being included in the decisions of this country. So I wanted to send a message to South India that we are with you and I am standing with you. That is why I am standing from Kerala. Now, what was the second part of your question? I don't know where you're getting this information from. Last I saw, we have an alliance in Bihar, we have an alliance in Jharkhand, we have an alliance in Tamil Nadu, we have an alliance in Maharashtra. So I don't know where you're getting, which newspapers you're reading. But as far as I can see, we have alliances across the country. Baba from NDTV. कैन यू प्लीज पास ऑन द माइक। बाबा पीछे खड़े हैं तो जरा उन्हें दे दीजिए। आशीष राहुल जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक आज ही अखबार ने लिखा है कि कल जो प्रधानमंत्री का भाषण था तो एक वर्ड जो है बार बार उनके भाषण में आया, हिंदू हिंदू हिंदू। इसको कैसे काउंटर करेंगे आप, हिंदू और राष्ट्रवाद को? देखिए, सब लोग हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं, मगर देश में रोजगार की जरूरत है, देश में किसानों की मदद करने की जरूरत है, देश में न्याय की जरूरत है, महिलाओं की देखभाल करने की जरूरत है, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी छुप रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी सच्चा जो डिबेट है वो नहीं करना चाहते। मैंने आपसे बोला है और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भ्रष्टाचार पे मेरे से आके डिबेट करें, नेशनल सिक्योरिटी में मेरे से आके डिबेट करें। आई चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, नेशनल सिक्योरिटी पे मुझसे डिबेट करके दें, फॉरेन पॉलिसी पे मुझसे डिबेट करके दिखाएं, करप्शन पे भ्रष्टाचार पे डिबेट करें। मैं आपसे पूछता हूं, प्रधानमंत्री आपके साथ ऐसे क्यों नहीं बात करते हैं, आपके साथ क्यों नहीं बात करते हैं, आपसे डरते क्यों हैं? आप ये प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हो, आप ये प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से डरते क्यों हो? मैडम गुस्सा कर रहे हो, ऊपर देख कर आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है। ये आप उनसे नहीं पूछते हो, आप डरते हो पूछने से। मुझसे आप सवाल पूछते हो मगर उनसे आप डरते हो। आप भी पूछिए उनसे, प्रधानमंत्री जी आप हिंदुस्तान की जनता से क्यों डरते हो, हिंदुस्तान की प्रेस से क्यों डरते हो? नरेंद्र मोदी जी डर सकते हैं मगर चुनाव में हम उनको हराएंगे, आप देखना। थैंक यू। वियोन प्लीज शर्मा जी, कैन यू पास ऑन द सेम माइक प्लीज। सर राहुल जी, आई एम कार्तिकेय शर्मा फ्रॉम वियोन। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट योर मैनिफेस्टो इज वेरी जॉब इकोनॉमी pollution, civic amenity centric. Do you think that in post Balakot political narrative, it is enough to propel Congress back to power? I am absolutely sure that the issues in this election are unemployment and the state of farmers. I'm absolutely sure about that. If you go out, that's what the country is saying.